हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मुतासिम ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? हम लोग सब अपने अपने घर में अच्छे ही होंगे, हम भी अच्छे हैं। और बहुत दिनों बाद मेरे घर में बहुत बड़ी खुशी आई है, तो बताएंगे ब्लॉग में बने रहे आप लोग, क्या खुशी आई है नहीं आई है। और वही खुशी के लिए देखिए, जहाँ मेहंदी लगाए हुए हैं और खुशी की तैयारी चल रही है। और ज़्यादा दिन नहीं है, अगर कल जा सकते हैं, कल ही है प्रोग्राम है। और उसके बाद जो बचेगा संडे को रहेगा, तो देखते हैं किस दिन जा पाते हैं, नहीं जा पाते तो बोले कि नहीं अगर तो कल ही चल जाएंगे, दो दिन प्रोग्राम है, अगर दिन को ही है। इसीलिए कोशिश में है कि अगर कल नहीं जाएंगे तो परसों जाएंगे, लेकिन कल हम जाएंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि जाएंगे तो इतना बड़ा खुशी में तो हम पीछे रह नहीं सकते। इसलिए देखिए हो गई मेहंदी की तैयारी, ये हाथ में नहीं लगा पाए हैं क्योंकि एक हाथ से होता नहीं, ये मतलब सूख जाएगा, तो इसको जब छुड़ा लेंगे उसके बाद अभी नेल पॉलिश सब लगाना है पूरा बाकी है। और अच्छे से रेडी होकर के जाएंगे, कुछ ख़रीदारी तो नहीं करना है, गिफ्ट देना है, बहुत प्यारा से गिफ्ट देना है, लेकिन अभी नहीं देना है, तो जितना दे पाएंगे देंगे। लेकिन बहुत मन खुश हो रहा है कि इतना बड़ा खुशी आई घर में बहुत दिनों के बाद, तो ब्लॉग में बने रहिए, बताएंगे क्या बात है नहीं है। और सारा काम ख़त्म हो चुका है, बच्चे लोग का छुट्टी है, तो छुट्टी में सतवान की आप लोग को ढेर सारी बधाइयाँ। और हम लोग तरफ भी मम्मी लोग सबके घर में होता करता है, तो सबको मनाते हैं। और आप लोग बताइए आप लोग घर तरफ सतवान कैसे मनाते हैं। और बच्चे लोग के स्कूल में तो क्या बोलते हैं आज का दिन को पता नहीं, आज का क्या, आज की छुट्टी, आज पता नहीं कि हम ध्यान से उतर गया, इसलिए मुझे सतवान की छुट्टी है बच्चे लोग के स्कूल में। और क्या जयंती है पता नहीं, हमको ध्यान से उतर गया, नहीं तो बताएंगे याद पड़ेगा। तो अम्बेडकर जयंती है, तो बच्चे लोग आज स्कूल में छुट्टी है, तो इसीलिए और अच्छा है कि भाई चलिए आज छुट्टी दिन, इतना बड़ा खुशी मिला है। एक बहुत दिन से हम सोच भी रहे थे, बहुत दिन से भगवान से मांग भी रहे थे कि इससे जल्दी या जल्दी पूरा हो जाए। और बहुत दिन से मन में दुखी मन रहा हो रहा था कि सोच रहे जो हो नहीं रहा है, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, चलो जो सोच रहे थे हो गया, पूरा हो गया। पूरा तभी बहुत कुछ पूरा करना बाकी है, अभी फिलहाल शुरुआत है, देखिए भगवान की कृपा से जो अच्छा है बहुत अच्छा ही होगा। तो बहुत दिन सोच भी रहे थे कि ये दिन कब आए, लेकिन आ गया है। तो देखिए भगवान से मनाएंगे सब पर, ऐसे अपनी खुशियाँ बनाए रहे हम लोग पर भी, आप लोग पर सब पे। और ये खाना खा के ड्यूटी चले गए हैं, और बाबू बोले थे पूरी बना रहे थे, बाबू बोले पूरी नहीं बनाए थे, बोले रात को बना देंगे, तो सब्जी चावल बनाए थे, बोले थे कल कि रखे हुए थे तो पनीर नहीं बनाने दिए, ये बोले कि रात में बना लेना, तो आलू सोयाबीन चना का सब्जी और चावल बनाए हुए थे, तो बोले कि शाम को बनाएंगे तो ठीक रहेगा, पूरी सब अच्छा लगता है करते, लेकिन दोपहर को पूरी खा लेंगे तो इनको पसंद नहीं पड़ता है, इसलिए ज़्यादा ये पूरी खाते भी नहीं है, इसीलिए बोले कि सब्जी चावल बनाते हैं शाम को बना देंगे, तो बच्चे लोग भी खा लेंगे और लोग खा लेंगे, क्या गर्म गर्म ही अच्छा लगता करता है, चावल साथ हमको उतना पनीर अच्छा नहीं लगता करता, इतना रोटी साथ या पूरी साथ अच्छा लगता है, तो शाम को ही बनाएंगे। क्या बनाते तो कल ही ख़त्म हो जाता, लेकिन जानबूझ के एक पैकेट रखे हुए हैं, बाबू के मन है बच्चा लोग खाने के, दोनों बच्चा का, और हम लोग तो समझते हैं चलो दिक्कत है तो नहीं, लेकिन बच्चे लोग को कितना समझा करके रखेंगे कि बच्चा तो बच्चा ही है, हम नहीं पूरा करेंगे तो कौन करेगा। तो सारा काम ख़त्म हो चुका है, ये लोग का भी ट्यूशन का टाइम आने वाला है, तो मेहंदी लगा रहे थे, उससे आप लोग से बात कर लें, और आप लोग बता कमेंट करके बताइए कि मेहंदी कैसी लगी, और हमको जैसे होता है वैसे लगा कर लेते हैं। और ये हाथ में पता नहीं कब लगाएंगे, देखिए उस तक नाइट में लगा लेंगे, क्योंकि खाना जल्दी बना के रख देंगे और यहाँ आएंगे लेट से, तो लेट से नहीं लगाएंगे करेंगे, जल्दी ही लगा के सूख जाएगा और छूट जाएगा, धोएंगे नहीं तो अच्छा कलर आ जाएगा। और मेहंदी रखा हुआ था अचानक मेरे ख्याल में, अगर नहीं जाना है तो लगा लें, क्या कि वो लोग फ़ोन पे फ़ोन कर रहा था ज्ञान कि चलिए तो लगा लेते हैं। अरे लोग ट्यूशन जाने का टाइम अभी हो गया, 3:30 बजे ट्यूशन है लोग का, तो उस टाइम देखते हैं कुछ कर पाते हैं, तो शॉर्ट उस बनाएंगे तो डालेंगे, या तो मेहंदी खैर अभी नहीं लगाएंगे, दोनों हाथ में संभव नहीं है, अगर लगा पाएंगे तो फिर शॉर्ट से नहीं बना पाएंगे, इसलिए देखते हैं अगर कर पाएंगे तो कर लेंगे, ताकि गर्मी के दिन में जल्दी ही सूख जाता, कोई दिक्कत नहीं है। और देख रहे हैं कि संडे को बाल कलर पाएंगे, कल ही करना होगा कि टाइम तो है नहीं, कल ऊपर से 2 दिन ही टाइम है, और दोनों दिन खास है मेरे लिए, देखते हैं किस दिन क्या कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। आज कल बाबू का स्कूल है और संडे के लोग का छुट्टी भी है, और बाबू का तो हाफ डे भी रहता है कल, लेकिन बाबू बिटिया रानी का रहता है लेट तक, इसका फुल डे क्लास होता है 1 बजे तक, तो
नहीं हो पाएगा कल, हमको लग रहा है कल नहीं जा पाएंगे, तो कल शाम रबी से ड्यूटी भी है, बोले चेंज करेंगे, चेंज होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है परसों जाएंगे, ताकि परसों को दिन में ही जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है, अगर हो जाएगा अच्छा तो ड्यूटी कल चेंज, तो कल शाम को ही चले जाएंगे, नहीं होगा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो सबको खुशी है जाने के लिए कि चलो सबको जाना करना, तो यही सब करते करते कि टाइम बीत गया है, और सारा किचन पूरा साफ कर लिए हैं, करो खाना खा के बैठा नहीं जाता कि बर्तन बेसिन में पड़ा रहे, हमसे होता ही नहीं है, इसीलिए जल्दी जल्दी करके अपना फुर्सत हो जाते हैं फिर, और ऐसे ही मन इतना खुश था जल्दी जल्दी कर लिए, बोले टाइम मिले तो कुछ कुछ काम कर लेंगे, और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कल फिर जा करके शाम को दवाई लिए हैं तो आराम हुआ है, तो बोले कि खा लो दवाई अगर आज खा लेते हैं, नहीं ठीक है तो कल बोले कि दिखा कर डॉक्टर से दिखा लेगा कि क्या बात है, बार बार पैर में दर्द हो रहा है और थकावट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है दर्द दो दिन से, क्या बोले क्या बोला क्या जाएगा, और पैर में ही बीच में तो कमर में हो रहा था, तो कमर तो अभी ठीक है, पैर में ही पता नहीं घुटना के नीचे हमेशा हो जा रहा है, तो मूव लगा के चाहे कुछ भी लगा के रेस्ट कर, लेकिन कल दवाई लास्ट मिली है तो दवाई खाए हैं, और रात को बोले खाने सिर्फ रात को ही खाना है और दिन को नहीं है, सुबह में तो एक ठो कल खाए हैं, एक ठो रात को बच्चा हुआ तो खा लेंगे, देखते हैं जो होगा होगा, तो क्या किया जाए, शरीर में कष्ट है तो है, और आजकल के समय हम इतना बुरा हो गए हैं सबको, लेकिन सब मेरे यहाँ बुद्धवा देता है, सबको मेरे बुद्धवा देता करता, किसको क्या, जिसके लिए अच्छा करो सब गाली देता है मेरे को, पता नहीं किसका क्या ले लिया है भगवान जाने, तो देने देते हैं सबका अपना अपना समय है, मेरा भी समय लौट करके आएगा तो देखेंगे, हम तो किसी बुरा आज तक किए नहीं, जो जैसे मेरे साथ जैसा किया किया, लेकिन हम कभी किसी साथ बुरा नहीं किए, जिसको जो करना है करे, जिसको जो बोलना है बोले, बोलने दे, हमको से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इतने जने हम अपने जगह अपने जगह सही है, और जो सही था हम वही किए हैं बस, और कुछ नहीं किए, तो टाइम आएगा तो इसका भी जवाब मिलेगा, जो मेरे साथ जैसा करे उसका टाइम जवाब देंगे, अभी हम नहीं देंगे करेंगे, लेकिन जब समय मेरा भी अच्छा आ जाएगा तो हम सबको जवाब देंगे, आज जितना का मुंह आज खुला है ना, सबका मुंह एक दिन हम बंद करेंगे, सावध की नहीं मुंह बंद करेंगे, सबका मुंह बंद करेंगे, इसलिए जिसको जितना गाली देना, जिसको सरापने जितना सरापे, अभी हम कुछ किसी को नहीं बोलेंगे, क्योंकि दिन अभी ख़राब चल रहा है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी खुशियाँ हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, जिसको जो बोलना है बोले, बोलते हैं ना यूट्यूब अगर वीडियो आप डाल रहे हैं तो कमेंट करने वाला खड़े करे, आगे बढ़ना हो तो बढ़ने बढ़ जाता है, पीछे रहने रह जाता है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और किसी कहने किसी करने से हम बदलने वाले नहीं, और हम इतना जानते हैं हम अपनी जगह सही हैं बस, अगर मेरा गलती कहीं बता दे कि हाँ गलत किया है तो हम किसी को बर्दाश्त करेंगे, और हम किसी का भी उल्टा के जवाब नहीं देते हैं, हमको जिसको जो बोलना है बोलता करता है, उल्टा के जवाब जवाब देंगे, समय आएगा तो देंगे, ऐसा बात कि नहीं देंगे, जरूर समय देंगे उल्टा के जवाब, लेकिन मेरा माँ बाप ये सिखाया नहीं कि कोई बोला तो किसी को जवाब दे दो, ऐसा आज तक माँ बाप ने सिखाया नहीं कभी, हम लोग चारों भाई बहन कभी उल्टा के जवाब देने के लिए नहीं सिखाया, चारों भाई बहन कभी, हम लोग चारों तीन बहन भाई हैं, लेकिन किसी को सिखाया नहीं कहा तो हम लोग उल्टा किसी को जवाब दे दें, ताकि जिसको जो सोचना है सोच लो, हम लोग चारों अपने जगह सब ठीक हैं, इसलिए दुनिया को बोलने ना करने से हम लोग बुरा ना होंगे ना रहेंगे करेंगे, इसीलिए ठीक है सब बात को ख़त्म करते हैं, लेकिन मन में तकलीफ लगता करता है कि जिसके लिए समय बर्बाद कर दो, इतना आज टाइम बर्बाद करके आज कर दिए, आज वो मेरे कितना कमेंट करके इतना कमेंट कर रहा है, फालतू सब के लग सुन जवाब नहीं दे सकते हैं क्या बोलें, कि ठीक है जिसका जितना दिमाग उतने काम करेगा, बात सही है, और सब कैसे मेरा दिमाग तो है ही नहीं कमज़ोर जो तुरंत पट 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 कर जवाब दे दें, जिसको जो बोलना है जो करना है करें, जो लिखना है लिखें, हमको से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना ही बात को ख़त्म करें और ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन इंसान हम भी है, हमको भी चोट लगता है, हमको भी तकलीफ लगता है, कैसा बात के लिए तकलीफ लगता है, परिवार से हम भी बिछ रहे हैं एक टाइम है, ऐसा बात के लिए बिखरे, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत संभाले हैं, बहुत दुनिया एक तरफ हम एक तरफ हो गए थे, आज वो इंसान मेरे पर सवाल उठा रहा है कि तुम कौन होता है बोलने, लेकिन किसी कुछ बोले नहीं है, किसी कुछ बोले मैं उल्टा के जवाब नहीं बोले, हमको तकलीफ में करते बात, लेकिन किसी को मुंह उल्टा के जवाब नहीं दिए, लेकिन आज मेरे कितना सुनना कर पा रहा है, इतना लोग लिख लिख के मैसेज डाल रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो ठीक है बोले समय है बोले, हम कुछ नहीं किसी को बोलेंगे करेंगे, हम इतना जानते हैं भगवान से कि हम अपने जगह सही हैं बस, मेरा कमी निकाल दे, हाँ एक औरत मेरे साथ गलत किया है तो हमको बता दे, हमको दिखा दे, हाँ यहाँ जगह गलत किया, ठीक है सब बात को ख़त्म करते हैं,
और ये सब चीज़ होते करते रहता है, जब तक जिंदा है तो बोलते हैं निंदा होते ही रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, जिसको करना है करे, और हम किसी कुछ नहीं जवाब देंगे, किसी कुछ जवाब नहीं देंगे, ठीक है तो जाने दीजिए हम, ठीक है इसी तरह ब्लॉग में बने रहिए। और शादी ठीक हो गई है, सबसे बड़ा बात है किसका हुआ नहीं हुआ, शादी ठीक हो गई है और रिंग सेरेमनी होने वाला है, तो दो दिन टाइम है, कल ऐसे होगा तो संडे को ही दिन को ही होगा, तो कल तो ऐसे बुलाएगा, हाँ आइएगा आप लोग, और घर का ही है कोई दूसरा नहीं है, घर का क्या, अगर जिसको आप अपना मारे तो घर की होता है, बाहर का तो होता नहीं है, क्या अपना तो अपना रहा नहीं, और जिसको किए तो वो भी नहीं रहता है अपना, तो जो मेरे अपना समझ के इतना इज्जत देता है, इतना मान देता करता है, तो उसको हम जरूर बोलेंगे हाँ मेरा घर का है चाहे कुछ भी है। तो उसी की शादी ठीक हो गई, हम भगवान से बहुत दिन से दुआ भी कर रहे थे कि कम से कम भतीजी की शादी ठीक हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, और मेरा सबसे करीबी रिश्ता है, सबसे करीबी रिश्ता जो मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता वो किया निशान, तो ये दिन सबसे बड़ा है मेरे लिए कि मेरे साथ रह करके आज बेटी का शादी हो जाए, सब चीज़ अच्छा लगता है कि बहुत इज्जत करता है लोग मेरा और हम लोग भी करते हैं, भले उसके पास भी कुछ नहीं मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन मुँह का व्यवहार इतना अच्छा कि नहीं हम कभी उसका निंदा की नहीं वो मेरा कभी निंदा की, जहाँ गलत है तो गलत है, जहाँ सही है तो सही है बस, इसीलिए ठीक है और कुछ बोलेंगे नहीं और हम लोग खुशी इंजॉय करते हैं, तो देखते हैं कैसे मनाते हैं क्या पढ़ते हैं, और ब्लॉग हम शूट नहीं करेंगे उस दिन क्योंकि अभी नया नया है तो हमको अच्छा नहीं लगता, उस तक फोटो जो क्लिक कर पाएंगे तो क्लिक कर पाएंगे, तब लोग दिखाएंगे तो अभी लेट है, दो दिन टाइम है, तो देखते हैं क्या होता करता है, ठीक है इसी तरह ब्लॉग में बने रहिए, कल मिलते नए ब्लॉग के साथ, ओके बाय।